नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो हेलो मैडम, आपके नाम से पूरे 1,35,00,000 का लोन लिया गया है। हाँ? और मैडम आपकी किस्तें भी नहीं आ रही हैं। व्हाट रबिश, मैंने कोई लोन नहीं लिया। मैडम बैंक से लोन लेकर आप इनकार नहीं कर सकती हैं। अगर कल तक आपके इंस्टॉलमेंट नहीं पहुँचे तो बैंक आपके बंगले पर ताला मार देगी। शट अप, मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी, देखो अभी मैं शूटिंग पे बिजी हूँ, आप मुझे कल आके मिलिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मानस, आज मूड नहीं है। क्या बात है, कोई परेशानी है? हाँ मानस, आज बैंक से फोन आया था। वो कह रहे थे कि मैंने बंगले के अगेंस्ट 1,35,00,000 का लोन लिया है। क्या? हम्म, लिया होगा तो ही फोन आया ना। कैसी बातें कर रहे हो मानस, तुम्हें मालूम ना हो ऐसा कोई काम मैं कर सकती हूँ? फिर मैंने किया होगा। ओह प्लीज मानस, पहलिया मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि ये चक्कर क्या है। चक्कर बड़ा सीधा है डार्लिंग, तुम्हें बनाने के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया था। सोचा फिर तुम तो कमाई लोगी, इतनी मेहनत का मुआवजा मैं भी रख लूं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो मानस, मैं परेशान हो रही हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नो नो स्वीटहार्ट, आई एम सीरियस। बंगला तुम्हारा ही है पर इस बंगले का मालिक मैं हूँ। डोंट जोक यार मानस, बंगला क्या, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैंने भी यही सोचा था कि नाम में क्या रखा है तो सब कुछ हमारा ही ना, इसलिए ये बंगला अपने नाम कर लिया। वो मेहनत जो मैंने तुम्हें स्टार बनाने के लिए खर्च की थी, वो दिमाग जो मैंने तुम्हें कामयाबी दिलाने के लिए खर्च की थी, वो जवानी जो तुम्हारा साथ देने में खर्च किया था, उसका हिसाब बनता है डार्लिंग 1,35,00,000 रुपए जो मैंने ले लिया। एनी ऑब्जेक्शन? Get out from my house. Excuse me, madam. तुम ये मत भूलो, जिस बंगलों में तुम बैठी हो, उसका मालिक मैं हूँ। तुम्हें मेरे तरीके से रहना है, तो रहो, वरना तुम आजाद हो। You are free. I hate you.
I hate you, Manas. बस हमारे प्यार की कीमत इतनी छोटी सी थी। बस यही कर सकती हूँ, आपकी मदद से बाहर चली जाऊं और कुछ पैसे कमा लूं, अच्छा लड़का देख के सेटल हो जाऊं। मुझे कुछ दिन का वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ओके डैडी, मैं चलती हूँ, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। ओके बाय। डार्लिंग, आज मैंने तुम्हें ना ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर डार्लिंग, कल मैं जा रहा हूं। कहां? वहीं। अब तुम्हारे लिए फील्डिंग तो करनी पड़ेगी ना, और कल डैडी आ रहे हैं, उनकी किसी भी बात का मना मत करना, क्योंकि वो ही एक हैं जो तुम्हें टॉप की हीरोइन बना सकते हैं। तो इसी बात पे एक फेयरवेल पार्टी हो जाए। क्यों नहीं। डैडी, मानस ने बताया होगा ना? जी, आइए अंदर आइए। मानस तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। ये बंगला देख रही हो, ये मेरा है, तुम्हारा भी हो सकता है अगर ईमानदारी से रहो तो। बेईमानी की यहाँ कोई जगह नहीं। डैडी जी, इस शहर में आप ही मेरे डैडी हैं। जी, आपके कहे अनुसार ही काम करूंगी। शाबाश। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं दूंगा। गाड़ी, नौकर चाकर, सारे ऐशो आराम, दिन भर की पूरी आजादी। सिर्फ रात के 3 घंटे मुझे चाहिए, 9 से 12। रात 9 से 12 सिर्फ मेरा ऑर्डर चलेगा, दूसरा कोई नहीं। ओके डैडी, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गुड, ये घर अब तुम्हारा है। ये गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए। और ये तुम्हारे खर्चे के लिए। मैंने अपनी ईमानदारी दिखा दी, अब तुम्हारी बारी है। गुड लक, ठीक 9 बजे रात को पहुंच जाना। ओके डैडी। ओके। मैंने जो कहा उसे दिल से करना, दिमाग से नहीं। डैडी, दिमाग तो चलाते नहीं हूँ और दिल से कोई बचता नहीं है। गुड। ओके डैडी, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। थैंक यू। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
कब आए? अरे यार मौके से आए, मैंने आपके लिए एक बेहतरीन चांद सा टुकड़ा ढूंढ के रखा है। संगमरमरी बदन, फूलों सी नाजुक हीरोइन है फिल्म की। आप कहो तो भेज दूं आज। ओके, थैंक यू।